यूपी में नेताओं की चुनावी जुबान की बात अब करेंगे, जिसकी धार पैनी होती जा रही है। एक दूसरे को कमजोर साबित करने के लिए नेता सारी ताकत जुबान पर ही लगा दे रहे हैं। और जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन जुबानी जंग के धुरंधर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और ओवैसी ही दिख रहे हैं। कल कानपुर में सीएम योगी ने बाकी दोनों धुरंधरों पर एक ही दांव आजमाया। प्रदेश के चुनाव में जीना कहां से आ गए? आज प्रदेश में दंगा नहीं, उठो जागो, जागोगे तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? चुनावी जुबान कैंची की तरह होती है। जिस तरह कैंची की धार तेज होना जरूरी है, उसी तरह नेताओं में भी जुबान की धार को लेकर कोई भ्रम नहीं है। और चुनावी जंग जब यूपी के किले के लिए हो, तो जुबान नाम के हथियारों में जितनी धार लगे वो कम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बता रहे हैं कि जंग में विरोधियों के साथ रहमो करम की कोई गुंजाइश नहीं है। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना, चुनाव बड़ा रोचक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दुनिया देखना चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया। कानपुर के मंच पर योगी ने अखिलेश यादव और ओवैसी दोनों को सीधे निशाने पर लिया, लेकिन इन दोनों की बीजेपी से जितनी दुश्मनी है उससे कई गुना ज्यादा आपसी रंजिश है। उसकी वजह भी वाजिब है। अखिलेश यूपी में मुसलमान वोटों के सबसे बड़े लेनदार हैं, लेकिन इस बार उनके बही खाते पर ओवैसी कब्जा करना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। तो सीधी सी बात अपने अपने वोट बैंक की है। अखिलेश को अपने पिता के मुसलमान यादव वाले अपने पारंपरिक समीकरण पर भरोसा है, तो बीजेपी को हिंदुत्व के सहारे नई अपार लगाने का विश्वास। मिलना है राशन, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं, जो करीब 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं, जबकि करीब 107 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। ओवैसी मुसलमानों की इसी ताकत को अपने झंडे तले लाना चाहते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी जान की कीमत नहीं, तुम्हारी वोट की अहमियत नहीं, तुम्हारे कोई मसाइल उत्पन्न नहीं किया जा रहा। ओवैसी के ऐसे तेवर तीन तरफ से कारगर हैं। पहले तो उन्हें मुसलमानों का अगुवा बनने का मौका मिल सकता है, दूसरा ये कि हिंदुत्व के आधार पर वोट एकजुट होने की भी संभावना बनती है, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है, और तीसरा ये कि ओवैसी की बढ़ती ताकत अखिलेश को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, जिसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को जाएगा। आज तक ब्यूरो।